जस्यते लोगनसि कम्म समारंभा परिन्नाया भवन्ति सेव मुनि परिन्नाय कम्मे तिवेमि। आचारांग सूत्र का पहले अध्ययन का जो पहला उद्देश्य है उसका ये अंतिम सूत्र है जिसमें ये कहा गया है यावंता सब्बवंती लोगनसी कम्म समारंभा परिजानीयब्बा भवंती। कर्म विज्ञान को समझना यही वास्तव के अंदर जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि हमारे जीवन की
मनुष्य के जीवन की या जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं उनके जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे बड़ा उलझन है वो कर्म ही है। ये सारे लोक का दर्शन, लोक का निर्माण कर्मों के हिसाब से हुआ है। तो ये कर्म को शास्त्रकार कर्म विज्ञान कहते हैं। ये कर्म विज्ञान का ज्ञान इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान है। और जिसने इस चीज को समझ लिया, समझ लो उसने सबसे बड़ी समझ प्राप्त कर ली। कर्म विज्ञान इसलिए कहा गया है, कर्म क्या है, कर्म कैसे हैं, कर्म कब से हैं, किसको लगते हैं, कैसे उनका बंधन होता है, कैसे वो उदय के अंदर आते हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है, किन्होंने कर्मों को रोका है, उनका आश्रय कैसे होता है, बंद कैसे होता है, कर्म के संबंध में जितने भी दुनिया के प्रश्न हैं उन सब का समाधान कर्म विज्ञान के अंतर्गत है। कर्म से संबंधी हजारों अगर प्रश्न भी हैं तो हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का समाधान ये कर्म विज्ञान के अंदर दिया गया है। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इसके अंदर न दिया गया। तो विज्ञान उसी को तो कहते हैं, क्यों है, कैसे है, कितना है, कब से है, इन्हीं प्रश्नों का साक्षात जो उत्तर दिया जाता है उसको समझा जाता है, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो कर्म विज्ञान अपने आप में परिपूर्ण सिद्धांत है। और कर्म विज्ञान का जितना खुलासेवार वर्णन जैन शास्त्रों में हुआ है ऐसा कहीं पर भी कहा संभव नहीं। कर्म सिद्धांत उसका सांगोपांग विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण आगम साहित्य के अंतर्गत निश्चित है, दिया गया है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, परिजानी अब्बा भवंती, इसको जानना, इसको समझना, यही सबसे बड़ी दुनिया की समझ है। वही सबसे बड़ा विद्वान है, वही सबसे बड़ा समझदार है, वही सबसे बड़ा साधक है, वही ज्ञानी है, वही महाब्रह्मचारी है, वही मुनि है, वही परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिसने कर्म विज्ञान को क्या कर लिया, समझ लिया। इसलिए ये ज्ञान सबसे बड़ा क्या है, ज्ञान। और जिसको ये ज्ञान हुआ है उसको परिनाय कम्मा, परिज्ञात करना कहा जाता है। और परिज्ञात कर्मा ही क्या होते हैं, मुनि होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, ये शास्त्रकार इस सूत्र के अंदर कहते हैं। और सार संक्षेप यहां पर यह बतलाया गया है, जो आदमी अपने सुख को, अपनी जरूरत को, अपनी आवश्यकता को सबसे ज्यादा महत्व देता है, अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए परिवार को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, किसी को भी धोखा दे सकता है, ये प्रवृत्ति ये असाधु की प्रवृत्ति होती।
ये पाप की प्रवृत्ति है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, न वहां पर रिश्ता आड़े आता है, न माँ बाप आड़े आते हैं, न भाई बहन आड़े आते हैं, न अड़ोसी पड़ोसी आते हैं, न उसका समाज आता है, न धर्म आता है, न देश आता है, न राष्ट्र आता है। बस अपना काम अच्छा होना चाहिए, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, अपनी जरूरत पूरी होनी चाहिए, अपने मनपसंद चीज होना चाहिए और दुनिया की कोई भी इच्छा हो वो भाड़ में जाए। इस प्रकार की वृत्ति जितनी जितनी बढ़ती है उतने ही वो बहुत ज्यादा पाप कर्म क्या करता है होता है। बस अपना सुख देखता है। और इसके विपरीत जो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, जनता के लिए, प्रकृति के लिए अपने सुख को भी तिलांजलि दे देता है, अपनी आवश्यकता को तिलांजलि दे देता है, अपनी जरूरत का त्याग करता है, अपनी इच्छाओं का बलिदान कर देता है। ये जो वृत्ति जीवन के अंदर आती है इसी को मुनि वृत्ति या संत वृत्ति क्या करते हैं कहते हैं। कि जो आदमी अपने लिए दुनिया की दुख सुख का कोई परवाह नहीं करता, भाई मेरे को सब मिलना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, दुनिया चाहे दुखी हो सुखी हो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं देता, तो ऐसी हमारी जो वृत्ति होती है इससे दिन प्रतिदिन हर क्षण पाप कर्मों का परिवर्तन क्या करता है होता रहता है। यह असाधुपना। और जहां अपने स्वार्थ को, अपनी इच्छा को, अपनी तमन्ना को, अपनी खुशी को किसी के लिए भी बलिदान कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, मेरे को तकलीफ मिले कोई बात नहीं लेकिन मेरे परिवार को तकलीफ नहीं मिलना चाहिए, मैं मुसीबत में फंसूं मेरा पड़ोसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए, मैं चाहे कितने दुख दरिद्र में रहूं लेकिन मेरे समाज और राष्ट्र को कोई तकलीफ ना करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये वृत्ति जीवन के अंदर आती है तो शास्त्रकार कहते हैं परिन्नाय कम्मे तिवेम्मी, ऐसे लोग मुनि क्या करते हैं होते हैं, ऐसे लोग संत होते हैं। और ये वृत्ति जितनी जितनी ज्यादा आगे बढ़ती है उतने उतने ज्यादा संतत्व जीवन के अंदर आता चला जाता है। ये बड़ी साधारण भाषा में, बड़ी सरल भाषा में और बड़ी सरलता से शास्त्रकारों ने धर्म को, अधर्म को, पाप और पुण्य को, कर्तव्य अकर्तव्य को, इंसानियत और हैवानियत को इस छोटे से सूत्र में क्या कर दिया, बतला दिया। और उन्हें यह भी बतलाया तुम खुद निर्णय कर सकते हो तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम अपने स्वार्थ को महत्व देते हो या परिवार, समाज, देश और राष्ट्र को महत्व देते हो। वो हम अपनी परीक्षा अपने आप कर सकते हैं, अपने तरफ अपने आप देख सकते हैं, अपने आप को माप सकते हैं कि हम सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, गलत रास्ते के ऊपर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। यही देखना, यही परखना, यही सोचना, यही समझना और इसी की तरफ अपनी दृष्टि लगाना, उसको प्रतिक्रमण कह करके क्या किया जाता है, पुकारा जाता है कि हम प्रतिक्रमण करते हैं, आलोचना करते हैं। तो परिक्रमा की आराधना साधना करते हैं। तो यही है कि हमारी वृत्ति किस तरफ गई है, सही तरफ हमारी चल रही है, गलत तरह तरीके से चल रही है, उसको अच्छी तरह से समझ करके अगर गलत तरीके से चल रही है तो उसको रोकने का क्या करना, प्रयत्न करना। इसी का नाम प्रतिक्रमण आदि साधना के अंतर्गत क्या करता है आता। ये छोटे से उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। एक सन्यासी सन्यास लिया, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, धन दौलत छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन उनके जीवन में एक चीज नहीं छूटी जो बचपन से उनके साथ रहने वाला उनका घोड़ा था।
उसके साथ ऐसा मोह था, पता नहीं किस जन्म का ऐसा संबंध था। वो सन्यासी बाबा भारती कहते थे, मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूं लेकिन इस घोड़े को क्या कर सकता, नहीं छोड़ सकता। और सन्यास की उन्होंने दीक्षा ली तो भी घोड़े को साथ में लेकर के दीक्षा ली, सब कुछ छोड़ा, जंगल के बाहर खेतों में जाकर के अपनी झोपड़ी बनाई, उसी झोपड़ी के अंदर रहने लगे और उस झोपड़ी के साथ साथ अपने घोड़े के लिए अस्तबल बनाया। और उस घोड़ा आया तो उनको लगता था सारी दुनिया मेरे पास। अब कैसी परिस्थिति थी, कैसा योग था, कैसा मोह था, उसने संन्यास लिया लेकिन घोड़े को छोड़ करके नहीं, घोड़े को साथ में लेकर के। अब सूर्य घोड़े को लेकर के चलते, उसकी जो सवारी करते, वो सारा उनके मन के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो जाता, एकदम निश्चिंत हो जाते थे। भाई घोड़ा है, घोड़े की रफ्तार है, घोड़े की सवारी है, और लोग उस घोड़े को देख करके दांतों तले अंगुली दबाते थे, घोड़ा हो तो ऐसा हो। उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी खूबसूरती और उसकी स्वामी भक्ति, लोग सोचते थे पशु भी ऐसा हो सकता। तो बाबा भारती ने उस घोड़े को लेकर के सन्यास लिया, साधु बन गए, सन्यासी बन गए, भिक्षा लेकर के अपना भोजन पानी कर लेते थे और घोड़े को चरवाते थे, चरागार के अंदर ले जाते थे, घुमाने ले जाते थे, वो उसकी व्यवस्था करते, अपनी व्यवस्था करते, उनका जीवन चल रहा था, परोपकारी जीवन था, सारे इलाके के अंदर उसका नाम था बाबा भारती, बाबा भारती, बाबा भारती। एक दिन उनकी झोपड़ी में एक आदमी आया और आकर के कहने लगा, बाबा तुम्हारा नाम बहुत है और हम भी आपके दर्शन करने के लिए आए, हम आपका बड़ा आदर सत्कार करते हैं और हमें एक चीज मांग लेकर के आए तुम्हारे पास। बाबा भारत ने कहा, बोलो। उन्हें कहा, तुम्हारा घोड़ा हमारे को चाहिए। बाबा भारत ने कहा, घोड़ा? अरे मैंने दीक्षा ली तब इसको नहीं छोड़ा, अब तुम्हारे को दूंगा, इसके अलावा जो भी मांगना हो मांग लो। उन्हें कहा, मेरे को घोड़ा चाहिए। उन्हें कहा, ये तो नहीं हो सकता, ये तुम कभी आस न करो, बाबा भारती तुम्हारे को घोड़ा दे। जिस समय उन्हें कहा, इसका मूल्य ले लो। उन्हें कहा, नहीं मूल्य की, पैसे की मेरे को जरूरत नहीं, पैसा मैं छूता भी नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं। दिन में मेरे को भोजन की जरूरत पड़ती है उतना लेता हूं, दूसरे दिन के लिए मैं सोचता भी नहीं, पैसा लेकर के क्या करूं। उस आदमी ने तरह तरह से समझाया, बाबा भारती मानने को तैयार नहीं हुए। तो उसने कहा, आप जानते हैं मेरे को कौन है, मैं ऐसे कभी जिंदगी में किसी के साथ बात नहीं करता, मैं हमेशा बंदूक की नोक के ऊपर बात करता हूं और मेरा नाम खड़ग सिंह डाकू है। बाबा भारती ने भी देखा, उन्होंने कहा, तुम खड़ग सिंह डाकू? उन्होंने कहा, यही तो कह रहा हूं मैं, आज इतना नम्र बन के तुम्हारे पास आया हूं तो तुम्हारी इज्जत करता, वरना मैंने जो चाहा मैंने किसी से मांगा नहीं, जो चाहा वो मैंने सब कुछ क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। मैं खड़ग सिंह, उस खड़ग सिंह को उन्होंने सुना हुआ था, चारों तरफ उसका दहशत था। वह आदमी जहां डाका डालना चाहे वहां पर डाल देता था, जो करना चाहे कर लेता था, और जिसको समय देता था, इस समय तुम्हारे को मारूंगा, उसी समय क्या करता, मारता, लूटपाट करता था। उन्हें कहा, मैं खड़ग सिंह डाकू हूं और मैं अकेला नहीं,
और वैसे दुनिया के लिए मैं अकेला भतीरा हूं। अब तो अपना घोड़ा दोगे? बाबा आरत ने कहा, खड़क सिंह आज मैंने बहुत बार नाम सुना था, आज तुम्हें देखा, लेकिन मुझे मरना पसंद है। मैं अपना घोड़ा किसी को क्या कर सकता, दे नहीं सकता। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे ना, इस घोड़े को तुम हाथ नहीं लगा सकते। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, अपने घोड़े को अपने हाथ से क्या करूंगा, नहीं तो। अब वो डाकू थे तो वो भी सन्यासी था। डाकू नहीं डरता है तो सन्यासी भी कहां डरता। साधु का भी तो अपना आत्मबल होता है, वो भी बाबा भारती थे। उन्होंने कहा, देख अगर मेरे को घोड़े को ले जाना है, मेरे प्राण होते तो लेकर के क्या कर सकता, नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, बाबा मान जाओ, डाकू खड़क सिंह तुम्हारे सामने बोल रहा है, थोड़ा सोच लो, थोड़ा विचार कर लो, ये जिंदगी के उसमें सोच लो। उन्होंने कहा, भाई हमने सब सोचा होगा, बंधु जहां साहस हो, जहां धर्म का बल हो, जहां आत्मबल हो, वहां पर बड़ी बड़ी ताकतें क्या करती हैं, झुक जाती। उसने सारा डर बताया, मौत का खौफ बताया। उन्हें कहा, नहीं मुझे खड़क सिंह तो डरा नहीं सकता, जिसको डराना है उसको डरा देना, मैं अपना घोड़ा तेरे को क्या कर सकता, नहीं दे सकता। तेरे को क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, मेरे घोड़े को लेकर के नहीं जा सकता।